हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है मुगल एम्पायर, उसके क्वेश्चन आंसर को. ओके, जो एनसीईआरटी बुक का है. तो इसमें पहले देखेंगे मैट्रिक है, तो पहले तो मुगल एम्पायर का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा. तो वो जैसे कि देखिए, मनशब मंगोल, सिसोदिया राजपूत, राठौर राजपूत, नूरजहाँ सूबेदार. ठीक है, ये मैंने आंसर लिखा है यहाँ पे. मैंने क्वेश्चन करके उसे जैसे ऐसे करके मैच करते हैं ना, वैसे मैंने नहीं किया है. तो पहले हम आप लोग को बता दें कि हम दो वीडियो बना रहे हैं. एक जो इसमें हम वीडियो बनाएंगे, इसमें बस हम आपको पढ़ के मीन्स इसमें पढ़ के मतलब समझाएंगे, मतलब समझाते हुए इसको हम पूरा कवर करेंगे. लेकिन इसके साथ में जो हम टेक्स्ट से वीडियो बनाएंगे, बुक से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको समझाएंगे नहीं, बस हम इंग्लिश टू इंग्लिश रीड करते चले जाएंगे. जितना डीपली हम आपको इसमें समझाएंगे, उतना डीपली हम उसमें आपको नहीं समझाएंगे, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार रिपीट होने से माइंड में भी चली जाती है. और मैंने चैप्टर में भी समझाया है और इसमें भी समझाऊँगी तो ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा. तो मैच इट है. तो मनशब क्या है? मनशब क्या था मुगल एम्पायर के टाइम में? एक रैंक था जो दिया जाता था. किनको? जिन्हें भी ये रैंक दिया जाता था वो क्या कहलाते थे? मनशबदार कहलाते थे. ओके, मंगोल. मंगोल क्या था? मंगोल एक ग्रुप था उज्बेक. ठीक है, अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे दो तरह के मंगोल्स थे. ठीक है, देखिए, एक मंगोल था वो था चंगेज खान की तरफ से. ठीक है ना, वो आई थिंक 1227 में चंगेज खान की डेथ हुई थी, तो इस टाइम में था चंगेज खान. तो मंगोल में जो बाबर है हमारा, उससे एसोसिएटेड करती है उसकी माँ की मेमोरी, यानी उसकी माँ जो थी वो चंगेज खान की तरफ से थी. ठीक है, लेकिन उसके पापा किधर से थे? वो टेमुरिड एंसेस्टर थे, मीन्स तिमूर के तरफ से थे. तो ये वो चंगेज खान वाला मंगोल नहीं है, उसको छोड़ के जो अलग मंगोल पार्टी थी उसे हम उज्बेक कहते हैं. ठीक है, अब सिसोदिया राजपूत. सिसोदिया राजपूत कहाँ रूल करती थी? वो मेवाड़, जो सेंट्रल इंडिया में है, वो वहाँ रूल करती थी. राठौर राजपूत, दोनों राजपूत की ही कैटेगरी है. तो राठौर राजपूत मारवाड़ में रूल करती थी. इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ एक है या अलग. तो सिसोदिया राजपूत मेवाड़ में रूल करती थी, लेकिन राठौर राजपूत मारवाड़ में रूल करती थी. इन दोनों पे शासन हो गया था हमारे अकबर ने. सिसोदिया राजपूत को चित्तौड़ में छीना था और राठौर को भी शायद छीना है, वो बुक में मैंने आपको पढ़ाया है. ठीक है, और नूरजहाँ. नूरजहाँ कौन थी? मैंने बहुत बार बताया कि नूरजहाँ जहांगीर की वाइफ थी, और जहांगीर के टाइम में नूरजहाँ को पूरा हक था कि वो अपना रूल रेगुलेशंस चला सकती थी. ठीक है, और उसका नाम भी रखा गया था जहांगीर के द्वारा नूरजहाँ, ये नाम रखा गया था, लेकिन उसका असली नाम कुछ और था. ठीक है, अब सूबेदार. सूबेदार क्या हुआ करते थे? सूबेदार गवर्नर हुआ करते थे. ओके, सूबेदार वहाँ के गवर्नर हुआ करते थे. जैसे देखिए, सूबेदार सूबा. सूबा किसको बोला जाता था पहले? देखिए, सब बोला जाता था, सॉरी सूबा नहीं, सब बोलेंगे सब. जैसे कोई भी एक जगह जो रूल करने के लिए दी जाती थी कि यहाँ से आप रूल करिए और जो भी यहाँ से टैक्स कलेक्ट होगा वो आप हमें दीजिएगा. तो वहाँ पे जो रूल करते थे उसे हम सूबेदार कहते थे, जो गवर्नर थे वहाँ के, इसलिए यहाँ पे गवर्नर मैच हो जाएगा. मैं एक बार और बोल रही हूँ. मनसब रैंक मंगोल उज्बेक, सिसोदिया राजपूत मेवाड़, राठौर राजपूत मारवाड़, नूरजहाँ जहांगीर, एंड सूबेदार कौन थे? गवर्नर थे. ठीक है, अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है. जैसा कि मिर्जा हकीम अकबर का हाफ ब्रदर था, और जब भी कॉम्पेन चलाता था अकबर, तो जहाँ जहाँ से पहले एक बार कॉम्पेन उसने चलाया है, बंगाल में, ईस्ट ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब में कॉम्पेन चलाया था, गुजरात. तो उस टाइम वहाँ पे ना क्या तो उधर से ना रिवोल्ट कर दिया था उसका भाई, जिस जिस जगह पे कॉम्पेन चला के जीता था वहाँ से रिवोल्ट कर दिया था मिर्जा हकीम. तो मिर्जा हकीम का कैपिटल कहाँ था? काबुल को भी सीज किया था अकबर ने, लेकिन मिर्जा हकीम के डेथ के बाद, इसलिए द कैपिटल ऑफ मिर्जा हकीम अकबर हाफ ब्रदर वॉज काबुल. द फाइव डक्कन सल्तनत वेयर, फाइव के डक्कन सल्तनत थे जो डक्कन में रूल करते थे, तो वो कौन कौन से थे? बेरार, खानदेश, अहमदानगर, बीजापुर और गोलकोंडा. इन सब पर मुगलों का राज था. ठीक ना,
ठीक है। अब जट क्या हो, जात, जात क्या होता है, एक जात एक न्यूमेरल रैंक हुआ करती थी, सॉरी न्यूमेरल वैल्यू थी उस टाइम में, जो मनसबदार को सैलरी देने में काम आती थी, ठीक है। और सावड़, सावड़ किसको कहते हैं, सावाड़ इंडिकेट हिज कावली मैन, मीन्स इसका मतलब क्या होता है, सैनिक, सैनिक, ठीक है ना। अब्दुल फजल, सॉरी अबुल फजल, अबुल फजल कौन थे, अबुल फजल भाई थे, सॉरी अबुल फजल, अबुल फजल एक अकबरनामा बुक है जो अबुल फजल ने लिखी है, अकबर फ्रेंड, सॉरी भाई नहीं थे, अकबर के फ्रेंड थे, ठीक है। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया था किस चीज़ को फ्रेम करने, सुलह ए कुल को फ्रेम करने में, जो अकबर ने फ्रेम किया था, ठीक ना, जो बुक में बताया गया है कि वो उलेमा से भी रहते थे और सारे रिलीजन, रिलीजन के प्राइस्ट हो गए, क्रिश्चियन के पादरी वगैरह हो गए, तो वो सब मिलके एक मीटिंग करते थे, जो यहाँ पे रहता था अकबर और चारों तरफ वो सब यहाँ 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 सेट करते थे, यानी बैठते थे और यहाँ एक मीटिंग चलती थी, यहाँ पे ये बोलते थे कि तुम अपने धर्म के बारे में बोलो, तुम्हारे धर्म के बारे में लोग क्या बोलते हैं बोलो, ठीक ना। तो वही ये सब यहाँ करते थे और अकबर इनके धर्म को समझने का पूरा प्रयास करता था। और एक बार बता दें कि पूरे मुगल साम्राज्य में अकबर ही था जिसने रिलीजन के बारे में जानने का प्रयास किया था, ठीक है। चलिए ये 2 नंबर कंप्लीट हो गया है, अब ये क्या है, मुगल के अंदर सेंट्रल में कौन कौन से प्रोविंस थे, ठीक ना। तो मुगल का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था, बंगाल, बिहार, चित्तौड़, दक्कन, दिल्ली, गुजरात, काबुल, मेवाड़, मारवाड़, ओडिशा एंड सिंधी, इन सब जगह पे किसका था, मुगल का शासन था, ठीक है। क्वेश्चन आंसर है, मनसबदार और जागीर में क्या रिलेशन है। तो देखिए मनसबदार और जागीर में, मनसबदार क्या होता है हम बता चुके हैं पहले, तो कमेंट आप करिएगा कि मनसबदार किसको कहते हैं, ठीक है। और जागीर जो हुआ करता था एट दैट टाइम में, जागीर जो वेतन मिलता था ना तो उसको जागीर कहते थे, तो दोनों में तो रिलेशन होगा ही, वो काम करेंगे तो उन्हें वेतन तो मिलेगा ही, तो यही रिलेशन था दोनों में। वट वॉज द रोल ऑफ जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जमींदार का क्या रोल था। तो जमींदार का रोल कुछ नहीं था, वो सैनिक का काम नहीं संभालता था, सैनिक का काम कौन संभालते थे, दीवान संभालते थे, ठीक ना। तो इसलिए जमींदार का काम क्या था, वो टैक्स कलेक्ट करते थे फ्रॉम द रीजन, जो भी रीजन उन्हें स्पेसिफिक रीजन दिया जाता था कि तुम यहाँ से टैक्स कलेक्ट करो, वहीं से करते थे, ठीक है। अब रिलीजियस मैंने बता चुका है ना कि वो मीटिंग करते थे, तो उसमें से जो अकबर का आइडिया गवर्न हुआ सुलह ए कुल वाला, उसमें किसने कितना हेल्प किया था और ये कैसे होता था उसके बारे में देना है। जैसे व्हेन अकबर वाज एट फतेहपुर सिकरी ड्यूरिंग द 1570 ही स्टार्टेड डिस्कशन ऑन रिलीजन, बता चुके हैं, विद द उलेमा, ब्राह्मण्स, जीसस क्राइस्ट एंड जोरास्ट्रियंस। द डिस्कशन टुक प्लेस इन द इबादत खाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कहाँ करते थे मीटिंग, तो सॉरी वो इबादत खाना में मीटिंग करते थे। और ये जो आइडिया था सुलह ए कुल, इसका मतलब क्या था, यूनिवर्सल पीस था, ये भी बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए तो मुगल जो थे वो, मुगल की जो एंसेस्ट्री थी, मुगल जो थे वो चंगेज़ खान पे, मीन्स चंगेज़ खान की मेमोरी, मीन्स उन्हें मुगल्स और मंगोल मीन्स कहना पसंद नहीं था, क्यों, क्योंकि मंगोल की तरफ से आ जाता था चंगेज़ खान, जिसे हत्यारा बोला जाता था इन्यूमरेबल मीन्स अनगिनत लोगों का, इसलिए वो मीन्स चंगेज़ खान की मेमोरी, लेकिन वो टैमुरिड एंसिस्टर पे गर्व करते थे, लेकिन टैमुरिड एंसिस्टर पे वो क्यों गर्व करते थे, वाई, क्योंकि टैमुरिड एंसिस्टर में जो तिमुर था ना, उसने बहुत बड़ा एरिया को कैप्चर किया था और उन्होंने दिल्ली को भी कैप्चर किया था 1398 में, ठीक ना। यहाँ पे पढ़ने की तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि मेरा राइटिंग आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा क्वेश्चन आंसर का। चलिए ये हो गया। हाउ वॉज द इम्पॉर्टेंट इनकम फ्रॉम लैंड रिवेन्यू स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक ना।
अब लैंड रेवेन्यू के बारे में है। द इनकम फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। इट प्ले एन इकोनॉमिक सिस्टम इन एम्पायर। मनी कलेक्टेड वॉज इन्वेस्टेड ऑन बिल्डिंग फोर्ट्स वॉज एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट। प्रजा के काम के लिए मनी का यूज होता था, फोर्ट्स बनाने के लिए यूज होता था, और वो एक इकोनॉमिक सिस्टम था एम्पायर में। अब है कि मंसबदार रिक्रूट मंसबदार फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड नॉट जस्ट ट्यूरियंस एंड ईरानिस। क्यों? क्योंकि द मुगल एम्पायर हैड एक्सपेंडेड डिफरेंट रीजन्स एंड प्रोविंस। हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मुगल्स टू रिक्रूट डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू मेक देयर सब्जेक्ट कम्फर्टेबल विथ देम। ठीक है, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आंसर हम कवर यहाँ तक का कर चुके हैं। और सो थैंक यू। अरे एक बात और बता दें हम आप लोग को कि छोड़िए, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि मेरा जो चैनल है वो किस पे कितना डिपेंड करता है।